इसके प्रायोजक हैं फ्रेश लुक ब्यूटी पार्लर, कॉलेज रोड, रीवा, नेशनल अस्पताल और कैंसर रिसर्च सेंटर, नया बस स्टैंड रीवा और उत्सव राजविलास। शादी बारात के लिए रीवा की सर्वश्रेष्ठ जगह धोबिया टंकी रीवा। नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी रीवा के एसएफ मैदान में आ रही हैं। कांग्रेस के रीवा के प्रत्याशी राजेंद्र शर्मा का कहना है, प्रियंका गांधी जब भी मध्य प्रदेश में आती हैं, कोई ना कोई मध्य प्रदेश को गारंटी देकर जाती हैं, मध्य प्रदेश की जनता को कोई ना कोई सौगात देने की बात कहती हैं। कल भी कुछ ऐसा होगा। एक सवाल के जवाब में राजेंद्र शर्मा का कहना था, मेरा सपना है रीवा में शिक्षा के क्षेत्र में चहुमुखी विकास हो। मैं अगर मुझे रीवा की जनता ने वोट दिया, प्रत्याशी बनाकर विधानसभा भेजा, तो इस बार एक बड़ा कॉलेज, बड़ा स्कूल मैं यहाँ पर दूंगा। उसके अलावा विकास की एक नई इबारत लिखने की भी कोशिश करूंगा। आइए आपको सीधे सुनाते हैं राजेंद्र शर्मा का क्या है विजन, क्या चाहते हैं वो रीवा के विकास के लिए। नेता कल रीवा आ रही हैं, 11 बजे एसएफ ग्राउंड में एक विशाल आम सभा का आयोजन है। प्रियंका गांधी जब भी आती हैं मध्य प्रदेश में किसी चुनाव में, तो कोई ना कोई गारंटी दे के जाती है। और हमें पूरी उम्मीद है कि जो मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, उसमें कमलनाथ जी ने 11 वचन दिए प्रदेश की जनता को, और निश्चित ही प्रियंका जी आएंगी तो उसकी घोषणा करेंगी और हमारे कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार होगा और मध्य प्रदेश में बदलाव आएगा। कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। देखिए, हमने शुरू में कहा कि पूरे प्रदेश में आक्रोश था भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, और मध्य प्रदेश में जो परिवर्तन की हवा बह रही है उसका पूरा असर रीवा जिले में। हम 8 में 8 सीट जीत रहे हैं, हम जहां जा रहे हैं भारी जन समर्थन मिल रहा है। हमारा प्रोग्राम कार्यक्रम अगर 4 बजे लगे होना होता है तो हम 6 बजे वहां पहुंचते हैं। 2 घंटे हमको हर कार्यक्रम में ज्यादा टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि जनता का भारी समर्थन मिल रहा है। हर कार्यक्रम जो आधा घंटे का सोचते हैं वो 1 घंटे में खत्म होता है। 2018 में भी बदलाव का नारा दिया था आपको, फिर नारा ही रह गया। सरकार बनी थी, नारा कहाँ रह गया था? सरकार तो तब भी बनी थी, इस बार बहुमत के साथ सरकार बन रही है। इस बार उन्होंने जिस तरीके से हमारे विधायक खरीद के अपनी सरकार बनाई है, उसका जनता उनको फल देगी। ये लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है और जनता तय करती है कि किसको सत्ता में रहना है और किसको जमीन में बैठना है। कर्नाटक की जनता ने विधायक खरीदी का फल वहां दे चुके हैं और कांग्रेस की सरकार ज्यादा बहुमत के साथ बनाई। इस बार हम फिर 160 से ऊपर सीट लेके यहाँ सरकार बना रहे हैं। अगर आप जीते तो कौन सा सबसे बड़े विकास कार्यक्रम? देखिए, अगर मैं जीता हो, मेरी सरकार तो बनी रही, तो हमारी कुछ प्राथमिकताएं इस सरकार में, मेरा अपना जो एजेंडा है उसमें हम रीवा में शिक्षा स्तर पे सुधार करने का मैं काम करूंगा। मैं रीवा में एक लड़कों का उच्च स्तरीय स्कूल बनाऊंगा, शुरू कराऊंगा, और एक टीआरएस के समकक्ष बड़ा कॉलेज बनाएंगे और एक नया गर्ल्स डिग्री कॉलेज बनाएंगे जो एक्सलेंस कॉलेज होगा। ये मेरा अपना सोचना है कि मैं जरूर करूंगा अपने कार्यकाल में। इसके अलावा एक रीवा में जो हमारा युवा है वो बेरोजगारी से नशे की गिरफ्त में, मेडिकल नशे ने हमारे युवाओं को बर्बाद कर रखा है, मैं इसके खिलाफ निर्णायक लड़ाई छेड़ूंगा। आप दिग्विजय सिंह ने अच्छा किया है कि जो बीजेपी हार रही है और हर हाल में वहां पर कांग्रेस की आएगी, रीवा जिले की 4 5 ऐसी क्या रणनीति आप लोगों ने बनाई थी, वो परिणाम आपके पास? देखिए, हमने इस बार का जो हमारा चुनाव है वो कांग्रेस पार्टी की ओर से कांग्रेस का संगठन लड़ रहा है। इस बार हमारी पूरी ताकत जो है हमारी एकता में है, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में। आज हमारे पास 8-9 हजार
कार्यकर्ता एक एक विधानसभा में। कहने को रीवा से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, गुड़ से कपित ध्वज लड़ रहे हैं, कहीं बबीता साकेत लड़ रही, कहीं राम गरीब वनवासी लड़ रहे हैं, पर पूरी कांग्रेस पार्टी का एक ही प्रत्याशी है, एक ही चेहरा है कमलनाथ जी का, और एक ही निशान है पंजा। आप और आपके जो विरोधी हैं दोनों इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र रहे, दोनों प्रेसिडेंट रहे, डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात अधूरी रह गई, दोनों ही नहीं कर पाए, आपने भी नहीं कहा। देखिए राजेंद्र शुक्ला जी तो डीम्ड यूनिवर्सिटी मजबूरी में उनको बोलना पड़ गया, क्योंकि उनपे आरोप लग रहे थे कि उन्होंने सारी जमीनें उसकी नष्ट कर दी, तो इन्होंने कहा नहीं नहीं अब हम डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाएंगे। जब इन्होंने उसके संसाधन ही खत्म कर दिए तो अब तो डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाना कठिन हो गया, पर अगर हमारी सरकार बनेगी तो इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए बेहतर होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, क्योंकि जब मैं कुछ भी नहीं था तो भी मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में जो कर सकता हूँ किया, विश्वस्त रहिए कि स्टैचू लगाने से पार्क के विकास से लेकर वहाँ जो मेरे छात्रों को जरूरत पड़ती है मैं करता हूँ, जो प्रथम आते हैं उनको भी मैं पुरस्कार देता हूँ, जो द्वितीय आते हैं उनको भी हम पुरस्कार देते हैं। हम कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, हम विकास पे ध्यान देते हैं और मूलभूत विकास पे काम करते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।